हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं छोटे आलू की मज़ेदार चटपटी सब्जी, जो कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे आलू ले लिए हैं। इसको सबसे पहले हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पर सभी आलू का हमने छिलका उतार लिया है। तो चलिए तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। जैसे ही तेल गर्म होगा तो इसके अंदर 1/2 चम्मच मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच जो साबुत धनिया होता है उसको मैंने क्रश कर लिया, इसको ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जितने भी आलू हैं सब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो इसको हल्के हाथों से मिलाएंगे। अब यहाँ पर अब ऐड करूँगी 1/2 चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाली है। स्वादानुसार हम नमक ऐड करेंगे। अब इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले अच्छे से ताकि इसके अंदर लग जाएं। अब इसके अंदर मैं एंड में ऐड कर दूंगी यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। इसको डालने से जो सब्जी में थोड़ा खट्टापन आ जाएगा, क्योंकि हम इस पर टमाटर नहीं ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने इसलिए आमचूर का यूज़ किया है। तो अब इन सभी मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन आलूओं को ढककर 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसको मैं धीमी आंच पर पका रही हूँ। यहाँ पर आलू जो है हमारे अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि सुनहरा जो कलर है, गोल्डन कलर आलू पर लग जाएगा। तो समझिए आलू पक गए हैं। अब एंड में हम हरा धनिया डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। आप इसको रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। और रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलती हूँ अगली बार किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।